नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वे मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारायण 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 नारायण। हमारे साथी विनय कुमार जी पूछ रहे हैं कि सीसीबीए और एलटीबीए कैसे काम करता है, एलटीबीए के बारे में कुछ डिटेल से वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में हम एलटीबीए के बारे में बात करेंगे और सीसीबीए कैसे मेल्ट होता है वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। यहाँ मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपका नॉलेज अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी कमेंट करके पूछता है तो उसका निराकरण भी करता रहता हूँ। मेरे जो वीडियो हैं वो सिर्फ रिविजन के हिसाब से हैं। डीप में नॉलेज प्राप्त करना है तो आपको अपने बुक में डॉक्यूमेंट में ही देखना पड़ेगा। तो ये विनय कुमार जी पूछ रहे हैं एलटीबीए के बारे में। तो वैसे मैं इसको सर्किट से भी बताने वाला हूँ आपको। एल टी बी ए यानी कि बैटरी का एल टी मतलब लो टेंशन में लगा हुआ है बैटरी के सर्किट में। और ये क्या करता है कि अगर किसी कारण से बैटरी के अंदर हाई वोल्टेज आ जाए, वो किसी भी कारण से आ सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे हाई टेंशन की केबलें भी जा रही है, कभी वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, या लो टेंशन की केबल से हाई टेंशन की केबल मिल जाए, तो फिर हाई वोल्टेज बैटरी में हो सकता है। इसलिए बैटरी को ओवर वोल्टेज से नुकसान हो सकता है। तो बैटरी की ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए एलटीबीए लगाया हुआ है। अभी कैसे काम करता है कि जैसे ही बैटरी में अगर ओवर वोल्टेज होगा तो यहाँ पे सर्ज अरेस्टर, जैसे अपने ET1 ET2 होता है ना छत पे, वैसा ही ये काम करता है। ये बस आकार में छोटा है क्योंकि लो वोल्टेज में, तो इसमें भी एक अंदर ही अंदर इंसुलेटर जैसा लगा हुआ है, तो गैप है। और जब ज्यादा वोल्टेज होगी तो उस गैप को भी पार करके वो जो है अर्थ में चला जाएगा। जो करंट पैदा होगा हाई वोल्टेज के कारण वो अर्थ में जाएगा। अर्थ में जाके फिर बाद में सीसीबी भी मेल्ट हो जाएगा और बैटरी का सर्किट कट हो जाएगा। इस प्रकार वो बैटरी की सुरक्षा करेगा। और यही काम अपने छत पे जो लगे ना ET1 ET2, वहां भी ऐसा ही होता है। जब हाई वोल्टेज आता है तो सीधा अर्थ में चला जाता है। हाई वोल्टेज से हाई करंट पैदा होता है, अर्थ में जाता है, जिससे फिर ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे लोगों में। अब इसको आओ थोड़ा सर्किट से भी देख लेते हैं किस प्रकार इसका कनेक्शन किया गया है। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे हैं। ऑडियो सुनना है खबरी ऐप पर जाइए, खबरी ऐप का लिंक भी मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहां से पहले खबरी ऐप को प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए और उसके बाद में चैनल को फॉलो कीजिए, तो आप ऑडियो भी सुनेंगे और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो आइए सर्किट से देखते हैं थोड़ा। हम LTBA की बात कर रहे हैं, ये LTBA लगा हुआ है। तो ऊपर ये जो है बैटरी का पॉजिटिव सर्किट पॉजिटिव तार है और नीचे ये जो है वो बैटरी का नेगेटिव तार है। तो ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ में ही LTBA लगा हुआ है और ये देखो ये गैप बना हुआ है, जैसे ET1 ET2 में होता है वैसे ये गैप बना हुआ है। और जब ये कभी भी तार जो है कभी हाई टेंशन वाली केबल के साथ टच हो जाए तो फिर ये बैटरी को नुकसान कर सकता है। कभी बैटरी में ये हाई टेंशन हाई वोल्टेज चला जाएगा या बैटरी के सर्किट में हाई वोल्टेज चला जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए LTBA लगाया। अगर हाई वोल्टेज आता है किसी भी कारण से तो ये गैप को बाईपास करके यहाँ से सीधा अर्थ में जाएगा, जैसे ET1 ET2 में जाता है। अर्थ में जाने से क्या होगा, फिर ओवर करंट पैदा होगा और ओवर करंट पैदा होने से CCBA मेल्ट हो जाएगा, बैटरी के सर्किट को कट कर देगा, पूरा का पूरा बैटरी का सर्किट जो कट हो जाएगा। इस प्रकार बैटरी की सुरक्षा हो जाएगी। तो राउंड फिगर में ऐसा बोलें कि LTBA क्या काम करता है कि बैटरी की ओवर वोल्टेज से सुरक्षा करता है। जैसे ET1 ET2 क्या काम करता है कि भाई लोको की ओवर वोल्टेज से सुरक्षा करता है, इसी प्रकार LTBA भी करता है। तो आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा LTBA का काम। धन्यवाद।